पड़ोस की बुआ जी कह रही थी, उनकी नजर में एक लड़के का रिश्ता है कनाडा विच। ओ अगले हफ्ते पिंड आ रहे ने। सोनी दे लई, मैनू ओ लड़का चंगा लगदा है। अच्छा, कनाडा विच है लड़का? फिर तो जरूर अच्छा ही होगा। हमारी सोनी कितनी भाग्यवान है। बुआ को बोलो हम तैयार हैं। सोनी कॉलेज से पढ़कर वापिस आती है। सोनी, तेरे लिए एक खुशखबरी है, बुआ जी ने तेरे लिए एक सोना मुंडा देखा है। मेरे लिए? माँ, मेरी पढ़ाई के अभी 2 साल बाकी हैं। ओ कोई नहीं सोनी, पढ़ के क्या करना है, तूने कनाडा जाना है, उधर वैसे ही सब अच्छा है। कनाडा? इतनी दूर? ओ दूर क्या है, तू हवाई जहाज में बैठ कर जाएगी शान से। पता नहीं उधर क्या करूंगी। करना क्या है, अपना घर संभालना, बच्चे पालना, और की, और कनाडा में ऐश से रहना। अमरदीप अपनी माँ और भुआ जी के साथ सोनी के घर पर जाता है। अमरदीप कनाडा से आया है, उधर इनका 3 मंजिला बंगला है, 2 गाड़ियाँ है, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है, ये लोग वहाँ पर बहुत सुखी हैं। अमरदीप कनाडा में क्या करते हो? जी हमारा अपना बिजनेस है ब्रैम्पटन में, हमारा बेटा उधर 4 लाख इंडियन रुपए कमाता है। जी आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। सोनी किधर है, उसको तो बुलाओ। सत श्री काल जी। सत श्री काल जी, सत श्री काल। सोनी और अमरदीप एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। माता पिता शादी की तारीख पक्की कर देते हैं और सोनी शादी के बाद ब्रैम्पटन कनाडा चली जाती है। अमरदीप की कनाडा में एक दुकान है और वो रोज रात को पी के घर पे आता है। वो हर रोज किसी ना किसी छोटी मोटी बात पर सोनी को मारता पीटता है। सोनी अपनी माँ से फोन पर बात करती है। माँ ये बहुत मारते हैं, कनाडा में भी लाइफ नर्क बनी हुई है। कोई नहीं बेटा, ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, बच्चे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सोनी गर्भवती होती है जिसके बाद उसे एक बेटी होती है। अमरदीप का सोनी को मारना पीटना और शराब पीना जारी रहता है। वो उसे किसी ना किसी बात पर मारता पीटता रहता है। अगले साल सोनी फिर से गर्भवती हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है और अल्ट्रासाउंड करवाती है। अल्ट्रासाउंड करवाया? नर्स कह रही थी इस बार भी लड़की है। बेटा फिर लड़की, इसका कोई फायदा नहीं, चल डॉक्टर के पास चलकर सफाई कराते हैं। क्या कनाडा में भी ऐसा होता है? क्या मतलब, कनाडा में लड़की लड़की नहीं होती क्या? एक लड़की है ना, अब लड़का ही होना चाहिए। तूने देखा है अमरदीप का गुस्सा कितना तेज है, अगर मुंडा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वैसे भी लड़की होने का फायदा ही क्या है, लड़का होगा तो इज्जत तो होगी। क्या ब्रैम्पटन क्या भटिंडा, लड़की की जिंदगी तो नर्क ही होती है, मार खाना और काम करना। सोनी क्लिनिक जाती है और अपना गर्भपात करवाती है। वापिस आने के बाद उसके पति का उसे मारना पीटना उसी तरह से जारी रहता है। पड़ोस की बुआ जी कह रही थी, उनकी नजर में एक लड़के का रिश्ता है कनाडा विच। ओ अगले हफ्ते पिंड आ रहे ने। सोनी दे लई, मैनू ओ लड़का चंगा लगदा है। अच्छा, कनाडा विच है लड़का? फिर तो जरूर अच्छा ही होगा। हमारी सोनी कितनी भाग्यवान है। भुआ को बोलो हम तैयार हैं। सोनी कॉलेज से पढ़कर वापिस आती है। सोनी, तेरे लिए एक खुशखबरी है, बुआ जी ने तेरे लिए एक सोना मुंडा देखा है। मेरे लिए? माँ, मेरी पढ़ाई के अभी 2 साल बाकी हैं। ओ कोई नहीं सोनी, पढ़ के क्या करना है, तूने कनाडा जाना है, उधर वैसे ही सब अच्छा है। कनाडा? इतनी दूर?
ओ दूर क्या है, तू हवाई जहाज में बैठ कर जाएगी शान से। पता नहीं उधर क्या करूंगी। करना क्या है, अपना घर संभालना, बच्चे पालना, होर की, और कनाडा में ऐश से रहना। अमरदीप अपनी माँ और भुआ जी के साथ सोनी के घर पर जाता है। अमरदीप कनाडा से आया है, उधर इनका 3 मंजिला बंगला है, 2 गाड़ियां हैं, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है, ये लोग वहाँ पर बहुत सुखी हैं। अमरदीप कनाडा में क्या करते हो? जी हमारा अपना बिजनेस है ब्रैम्पटन में, हमारा बेटा उधर 4 लाख इंडियन रुपए कमाता है। जी आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। सोनी किधर है, उसको तो बुलाओ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सोनी और अमरदीप एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। माता पिता शादी की तारीख पक्की कर देते हैं और सोनी शादी के बाद ब्रैम्पटन कनाडा चली जाती है। अमरदीप की कनाडा में एक दुकान है और वो रोज रात को पी के घर पे आता है। वो हर रोज किसी ना किसी छोटी मोटी बात पर सोनी को मारता पीटता है। सोनी अपनी माँ से फोन पर बात करती है। माँ ये बहुत मारते हैं, कनाडा में भी लाइफ नर्क बनी हुई है। कोई नहीं बेटा, ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, बच्चे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सोनी गर्भवती होती है जिसके बाद उसे एक बेटी होती है। अमरदीप का सोनी को मारना पीटना और शराब पीना जारी रहता है। वो उसे किसी ना किसी बात पर मारता पीटता रहता है। अगले साल सोनी फिर से गर्भवती हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है और अल्ट्रासाउंड करवाती है। अल्ट्रासाउंड करवाया? नर्स कह रही थी इस बार भी लड़की है। बेटा फिर लड़की, इसका कोई फायदा नहीं, चल डॉक्टर के पास चलकर सफाई कराते हैं। क्या कनाडा में भी ऐसा होता है? क्या मतलब, कनाडा में लड़की लड़की नहीं होती क्या? एक लड़की है ना, अब लड़का ही होना चाहिए। तूने देखा है अमरदीप का गुस्सा कितना तेज है, अगर मुंडा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वैसे भी लड़की होने का फायदा ही क्या है, लड़का होगा तो इज्जत तो होगी। क्या ब्रैम्पटन क्या भटिंडा, लड़की की जिंदगी तो नर्क ही होती है, मार खाना और काम करना। सोनी क्लिनिक जाती है और अपना गर्भपात करवाती है। वापिस आने के बाद उसके पति का उसे मारना पीटना उसी तरह से जारी रहता है।